हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। आज के सेशन में बात कर रहे हैं अबाउट कार एक्सेसरीज। अगर आप अपनी नेक्स्ट न्यू कार का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ कि आपको कार में एक गियर लॉक लगाने की जरूरत है, वो बड़ा बेसिक है, मड फ्लैप्स, मैटिंग। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं कार में पैसा ज़्यादा है, यू वॉन्ट टू गो फॉर एंटी रेस्ट, टेफलॉन, सेरेमिक कोटिंग करवानी है, या और पैसा है तो साफ कार में छत पे इलेक्ट्रिक सनरूफ की फिटमेंट करवानी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ उन पैसों को बचा के कुछ एक एसेसरीज़ की फिटमेंट ऐसी हैं जो आप अपनी कार में करवाएंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। नंबर वन, कार के अंदर हेडलाइट अपग्रेड करवाना। अब साहब, जो कार में हेडलाइट्स आती हैं, दीज आर बेसिक हेलोजन बल्ब्स। उसके अंदर जो नाइट में विजन होता है, वो नाइट की जो क्लैरिटी होती है, वो बड़ी एवरेज फील होती है। पहला ऑप्शन, या तो आप फिलिप्स एक्सट्रीम विजन प्लस का बल्ब ले लें या ओसराम नाइट विजन का आप ले लें। उसमें क्या होता है, दीज आर हेलोजन बल्ब्स ओनली, पर उनके जो फिलामेंट डिज़ाइन होता है वो इम्प्रूव होता है, तो जो नाइट में क्लैरिटी होती है वो ऑलमोस्ट 80% तक बेहतर होती है एज अगेंस्ट स्टैंडर्ड हेलोजन बल्ब्स। तो आपको एक आसान तरीका है, 1500-1600 रुपये का आता है, और दीज आर सिंपल प्लग एंड प्ले, कोई वारंटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एंड नंबर टू इज अबाउट HID, विच इज हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज बल्ब। लेकिन इसके अंदर कलर टेम्परेचर्स होते हैं 3000 केल्विन, 4300 केल्विन, 6000 केल्विन, उससे ज़्यादा भी होते हैं। केल्विन कलर टेम्परेचर होता है कि ब्राइटनेस कितनी है। उस केस में आप 4300K, विच इज अराउंड येलोइश कलर, वहाँ तक पे आप जा सकते हैं। एंड दीज HIDs अगर आप लेते हैं फ्रॉम अ ब्रांड लाइक फिलिप्स वर्ल्ड लीडर है लाइटिंग सॉल्यूशन में, अलॉन्ग विथ प्रोजेक्टर क्या करता है, जो बल्ब की थ्रो होता है उसको फोकस में रखता है। विदाउट प्रोजेक्टर्स HID जो थ्रो है वो स्प्रेड हो जाएगी और वो बढ़िया नहीं रहेगा। तो प्रोजेक्टर के साथ जाइए, उनकी वायरिंग हार्नेस अच्छी होती है, फिलिप्स की ब्रांड के साथ जाइए, एंड गो विद अ रेप्यूटेड फिटमेंट सेंटर। नंबर टू, अब कार के टायर्स, लोग कार के टायर्स को वाइड करने की कोशिश करते हैं सो एज टू गिव अ बेटर स्टैंड टू द कार, कार की हैंडलिंग अच्छी खासी हो। लेकिन साहब, कार के टायर के प्रेशर को कौन चेक करे, इसीलिए कार के अंदर आता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंसरी एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, ब्लॉकपंक कंपनी है, इनके बाजार में लीडर्स हैं। आप इनके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में जा सकते हैं, इसमें वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व के अंदर सेंसर फिट हो जाते हैं। बेसिकली इट कैन हेल्प यू सो एज टू नो द टायर प्रेशर एट एवरी पॉसिबल टाइम। आप लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कार का टायर पंचर होता है, यू वुड इमीडिएटली कम टू नो। तो आप प्री हैंड ही आप जा सकते हैं टायर शॉप पे, या टायर का प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आप हाई स्पीड ड्राइव कर रहे हैं, सो यू कैन एडजस्ट द टायर प्रेशर अकॉर्डिंगली, तो वो आप जान लीजिए उसके बारे में। और साथ में टायर इन्फ्लेटर आप लगा सकते हैं, मिशलिन कंपनी इज अगेन अ लीडर इन टायर इन्फ्लेटर। उनका टायर इन्फ्लेटर सॉल्यूशन आता है कि भाई आप खुद ही टायर, अगर ट्यूबलेस टायर है, पंचर हो गया, तो कम से कम हवा खुद भर सकते हैं सो एज टू कवर दैट डिस्टेंस, तो वो आप जान लीजिए। नंबर थ्री, दिस अबाउट डैश कैम, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अब देखिए, कार में वीडियो रिकॉर्डर है, उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। हम सभी लोगों को कभी ना कभी परेशानी महसूस हुई है, अब कहना तो नहीं चाहिए, अगर आपने रेड लाइट नहीं, आपने ग्रीन लाइट पर क्रॉस करी है एंड सम कॉप स्टॉप यू, हाउ विल यू बी एबल टू प्रूव इन कि आपने कहा जी साहब ग्रीन लाइट पर क्रॉस की, उसने कहा मैंने आपने रेड लाइट पर क्रॉस करी है, तो इस कार में आपका डैश कैम है तो वो आपको उस परेशानी से बचा सकता है। लेकिन खैर, वो एक छोटी बात हुई, जो बड़ी बात डैश कैम का यूसेज है वो जान लीजिए। इट्स मैंडेटरी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अगर रोड पर कोई हादसा हो जाता है, डैश कैम कैन प्रूव टू बी हैंडली और आपको उस लीगल केस में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। किस वजह से हादसा हुआ वो डैश कैम रिकॉर्ड करता है, इसलिए अच्छी कंपनी का डैश कैम लीजिए। ट्रांसेंड एक कंपनी है, ब्लैक बॉक्स एक कंपनी है, 128 GB का SD कार्ड उनके उसमें होता है, और साथ में देखिए उसमें क्लाउड में जो रिकॉर्डिंग्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएं। ऐसा लीजिए डैश कैम जिसके अंदर जियो लोकेशन आए कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग है ये कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, सो डैट कैन प्रूव हैंडी, तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, डैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और डैश कैम आप बिल्कुल लगवाएं, 9 से 10 हज़ार रुपये का रेंज स्टार्ट होती है अच्छे डैश कैम की। डू नॉट गो विद इकोनॉमिकल चाइनीज वन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर फोर, कार की अंडर शील्ड प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें इंजन कवर, आप इंजन का एक शील्ड कह सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जो कार की अंडर बॉडी होती है उसमें ऑयल फिल्टर अगर नीचे प्रोटेक्शन नहीं हुई, और क्योंकि भारत की जो रोड्स हैं, भारत की रोड्स में डेब्रिस रहता है, कई बार कच्ची सड़कों पर आप ले गए, उस केस में अगर वो ऑयल फिल्टर पे इंपैक्ट आ गया तो जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो जो निकल सकता है, द कार इंजन कैन गेट सीज। इसीलिए जो कार के अंदर अगर आप अंडरशील्ड प्रोटेक्शन लगवा लेते हैं तो आपको एक बड़ी परेशानी होने से बच सकते हैं।
एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखिए काफ़ी सारी गाड़ियों में नेविगेशन की फैसिलिटी आ रही है, अच्छी बात है, पर कुछ गाड़ियों में नेविगेशन नहीं है, इसीलिए कार के अंदर एक अच्छी ब्रांड का मोबाइल होल्डर लगवाएं जो चिपक जाए और मतलब गर्मी आते ऐसा ना हो कि वो गिरता रहे। इसीलिए जैप कंपनी हो गई, टैग कंपनी हो गई, रेप्यूटेड नाम्स हैं, इनके आप मोबाइल होल्डर फिक्स करवा सकते हैं। इंश्योर करिए डैशबोर्ड में ऐसे फिक्स करवाएं कि आपकी नज़रों के सामने रहे, ये ना करना है कि लेफ्ट तरफ करवा रहे हैं राइट तरफ करवा रहे हैं, आपका जो विजन है वो इम्पैक्ट हो, तो वो आप करवा सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है तो वो आपकी मर्जी है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, पर अगर आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना हेड्स अप डिस्प्ले का, इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस मोबाइल होल्डर एंड कैन पुट इन योर मोबाइल फोन एंड कैन यूज इट इन नेविगेशन, और 1500-1300 रुपए का इनका मोबाइल होल्डर आता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपवोट करिए चैनल माइक अपलाइन को, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए भाई साहब, ताकि कैन रीच टू फॉर द मोर ऑडियंस एंड दे कैन बी अवेयर कि गाड़ियों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो करवानी चाहिए। थैंक यू।